तेल का इतना हाथ है बात आए आए आज ही जाए आज वो पर लड़की को फिर वो बाजार जाने बार आए थे ये। हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? यो अच्छे हो गए, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी देखिए हम लोग नहा के और यहाँ बाहर बैठे हैं, तो इधर देखिए गार्गी भी बैठी है और हम दोनों लोग एक साथ ही साथ बीमार पड़े सब दोनों लोगों ने की सगी संग तबीयत खराब हो गई, हमको भी कोल्ड हुआ इनको भी। और हम लोग बैठे हैं और यहाँ बातचीत करेंगे थोड़ी बहुत देर। और इधर देखिए शादी चल रही है तो वहाँ फंक्शन हो रहा है, तो थोड़ी वीडियो मैंने शूट करी है तो उसको भी इसी में जोड़ेंगे। आप लोग भी इंजॉय करिए, तो थोड़ी बहुत देर में यहाँ बैठती हूँ। फिर तबीयत ख़राब रही तो हम लोगों ने कपड़े भी नहीं धुल पाए, तो देखिए चारों तरफ कपड़े फैले, इतने सारे कपड़े धुले। इधर देखिए देखिए चारों तरफ दीवार भी भरी पड़ी है और तार भी भरे हैं क्योंकि कपड़े धुल ही नहीं पाए, तबीयत ख़राब हो गई तो सब कपड़े पड़े थे ऐसे ही धोने के लिए, तो आज सब साफ करके धुल दिए, मशीन लगाई हम लोगों ने। तो देखिए गाइस यहाँ बाहर हम बैठे हैं, तो यहाँ देख रहे थे शादी का माहौल कैसा हो रहा है, क्योंकि शादी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। तो मुझे लगने लगी ठंड, तो मैंने पहन लिया है स्वेटर और इधर लली बैठी है गार्गी। और गाइस इतनी तबीयत ख़राब हुई हम लोगों की, तो कुछ कुछ उनकी बहुत परेशान हो गई, लेकिन अब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल सही। बहुत सारे कपड़े भी धुले और अब हम चलते हैं अंदर खाना पीना बनाएंगे कुछ। देखिए गाइस मैं अंदर आ गई तो मैंने सोचा कि चावल बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से बनाए नहीं, तबीयत ख़राब रही तो चावल, वैसे कोल्ड हुआ तो चावल वावल खाना अच्छी बात नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। तो आज तो चाहे कुछ भी हो, परेशान हो जाऊँ तो देखा जाएगा, पर आज तो चावल बना रही हूँ मैं, क्योंकि चावल खाने का बहुत दिन से मन था, बना ही नहीं पाए, तबीयत ख़राब रही इसलिए। और सर्दियों में थोड़ा बहुत काम करो, झाड़ू पोछा है, बर्तन है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इस वजह से कोल्ड हो जाए या कुछ भी हो जाए तो तबीयत ख़राब हो जाती है। और मैं तो वैसे भी ज़्यादा दिन सही नहीं रह पाती हूँ, कुछ ना कुछ परेशानी एकदम से आ जाती है, हाल परेशान हो जाती हूँ, बट के सर्दियों में तो अक्सर करके बहुत ही जल्दी परेशान होती हूँ। और इधर देखिए गाइस मैंने चावल बनने के लिए रख दिए, और मैं लहसुन की कुछ कलियाँ मैंने की निकालें, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो लहसुन निकाल लेती हूँ सही होता है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, और अभी ये प्याज देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया, और इसमें किल्लर निकल आए जो जम जाते हैं, तो मैंने उसको काट दिया है और प्याज को काट लेती हूँ, सब मसाला जब तक चावल बनेंगे तब तक काट लेती हूँ। वो गाइस प्याज काटते वक्त आँखों में कितना लगता है, और देखिए बहुत ज़्यादा लगता है, मेरी आंखों में पानी निकलने लगा, एकदम से आंसू आ गए, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ ये। अभी बाहर जस्ट ही इतनी भयंकर टक्कर हुई तो मैं बाहर देखने चली गई गाइस, इतनी तेज़ धड़कने बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ मेरे तो ऐसे ऐसे होने लगी, बहुत डर लगा एकदम। और फ़ोन मेरे पास था नहीं, होता तो थोड़ा बहुत शूट कर लेती तो आपको दिखाती। और मैं देखिए खाने में आज हमने बनाए हैं डिनर में चावल हैं, आलू की सब्ज़ी, तो देखिए हमारी आलू की सब्ज़ी बन रही है, दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस आलू की सब्ज़ी, मट्ठा के आलू बनाए हैं। तो गाइस पढ़ने वाला बच्चा था, कोचिंग से आया हुआ, तो उसने ट्रक को नहीं देखा और एकदम रोड क्रॉस करने लगा,
तो ट्रक की इतनी तेजी से चपेट लगी उसके, क्योंकि बहुत ऊंचा उठा चला गया और फिर एकदम जमीन पे गिरा। उसका ये सर फर सब फट गया, बहुत बुरी हालत से उसके चोट लगी यहाँ पर ये, और पर इतना अच्छा हुआ कि ट्रक के पहिए पहिए उसके ऊपर से नहीं निकले, खाली चोट आई जो रोड पे वो फेंक के गिरा उसी से, तो वो सही हो जाएगा। ऐसा करती हूँ भगवान वो सही हो जाए लड़का। और तो देखिए गाइस, खाना हमारा रेडी हो चुका है, सब्जी भी बन गई। अब से बोल रहा था कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और वह बाहर हो गई टक्कर, तो वो फिर उसे देखने लगा और वहीं से कोचिंग चला गया क्योंकि फिर लेट हो जाता। तो हमने खाना तो बना के रख दिया है, अब वो जब आएगा तब खा लेगा, आप लोग भी खा लीजिएगा गाइस। चलिए मैं खाना खाती हूँ और अपने कान्हा जी को भी भोग लगा दूँ, उसके बाद मैं भी खाना खा लेती हूँ। अभिषेक आएगा तो वो खा लेगा। तेला कहीं देना हाथ हो बात आए आए आज भी जाए आज वो लड़की को फिर वो बाजरा जाना बार आए थे ये है काम वो तो काम करवा रहा है लेकिन बड़ा कहीं देना हाथ हो लड़की को लड़का को मतलब देना हाथ हो बे लोग आए हैं तो ले आए हुए आए जाते हो बात फिर आएगो ना आज ना फिर आएगो ना खुले हो कुछ ना हो ये आए तो जाते है बस जैसे लड़का भीतर जब घुसे हो जब बाहर ही हो जाते है तिलक फिलक सब हो जाते पानी पे आए। तो गाइस देखिए मैं अपने काम से फ्री हो गई और मैं अब बैठ गई हूँ अपने कम्बल में और थोड़ी बहुत देर फ़ोन चलाएंगे और जो मेरे भाई बहन हैं उनकी वीडियो पर जाएंगे और अपनी वीडियो की एडिटिंग करेंगे। तो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। Thank you for watching. Bye bye.